पैरेलल एलसीआर सर्किट, देखो ये पैरेलल एलसीआर सर्किट क्या होता है, ये हमने पहली बार किया है। हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एलसीआर किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज कनेक्टेड है। अब हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने आर एल सी पैरेलल में लगा दिया, वोल्टेज की सप्लाई ए सी दी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आया रेजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, और जो टोटल करंट है वो आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी हो गया। अब मेरे को पता है रेजिस्टर के अंदर करंट क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टर में करंट क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम फेज में होते हैं तो आई नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, वी नॉट बाई आर। इंडक्टर में करंट क्या होगा, देखो इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है, क्योंकि वोल्टेज वी की वैल्यू तीनों में सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी तीनों में सेम जाएगा, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, करंट इसमें चेंज होता है, सीरीज के अंदर करंट सेम होता है और वोल्टेज चेंज होती है। तो इसके अंदर वोल्टेज की, यहां पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है, तो माइनस पाई बाय टू, और आई नॉट की जगह वी नॉट बाय एक्सएल, क्योंकि वी नॉट बाय एक्सएल, और कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो प्लस पाई बाय टू, और कैपेसिटर में वी नॉट बाय एक्ससी। यह आपने डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं करनी, क्या याद करना है मैं एंड में लिखवाऊंगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं ये माइनस कॉस ओमेगा टी, इसे सॉल्व करूं ये प्लस कॉस ओमेगा टी, मैं कॉमन निकाल लूं तो ये टर्म, और मैं कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ जाती है। इस टर्म में काम करो, इस टर्म को पुट करते हैं आई नॉट साइन फाई, और इस टर्म को पुट करते हैं आई नॉट कॉस फाई। क्यों करते हैं अभी बताता हूं। तो इसके अंदर इसकी जगह आई नॉट साइन फाई, इसकी जगह आई नॉट कॉस फाई, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, इसकी जगह आई नॉट साइन फाई, इसकी जगह आई नॉट कॉस फाई, और सिंप्लीफाई करके आई की इक्वेशन आ गई। तो फिर आपने नोट क्या करना है, ये प्रूफ तो करना नहीं, नोट ये करना है, लिखे पैरेलल एलसीआर सर्किट, हेडिंग लिखे पैरेलल एलसीआर सर्किट में ये लिखे V इज V नॉट साइन ओमेगा टी। तो पैरेलल एलसीआर में करंट जो होता है वो आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई हो जाता है। इक्वेशन है ये, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है पैरेलल के अंदर। तो सीरीज में तो हमने वोल्टेज करंट की इक्वेशन सीखी थी, ये पैरेलल की इक्वेशन है। तो पैरेलल एलसीआर में ये वोल्टेज है, पैरेलल एलसीआर में ये करंट है, और पैरेलल एलसीआर में जो फाई है, ये फाई क्या होगा, जो आपने दो इक्वेशन रिज्यूम की थी, इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड कर दें तो टेन फाई आ जाएगा अपने आप, साइन अपॉन कॉस, तो ये टेन फाई की वैल्यू आएगी, फाई यहाँ से आएगा। तो ये आपके पास करंट की इक्वेशन है पैरेलल एलसीआर में, और ये आपके पास फाई की इक्वेशन है, टेन फाई की इक्वेशन है पैरेलल एलसीआर में। दो इक्वेशन क्लियर हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो जो किसी भी ऑब्जेक्टिव में यूज होता है वो ये, जो आपने दो इक्वेशन ऊपर रिज्यूम की थी इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इन्हें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, ये करना नहीं है आपको, याद नहीं करना। और फाइनली ये रिजल्ट को याद करें, ये है फॉर्मूला इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल एलसीआर का। तो इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल एलसीआर का ये फॉर्मूला नोट करें, वन बाय जेड स्क्वेयर, वन बाय आर स्क्वेयर, प्लस वन बाय एक्स सी माइनस माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये नोट करें फॉर्मूला, इसकी जगह वन बाई एक्स सी, इसकी जगह एक्स एल। ये दोनों फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज एलसीआर की इम्पीडेंस का अलग फॉर्मूला था, याद करो एनसीईआरटी में किया था, पैरेलल एलसीआर में ये फॉर्मूला लगाना है। कभी भी तीन चीजें जब पैरेलल में आएंगी तो इम्पीडेंस ऐसे निकलेगी, इंपॉर्टेंट है। और आपने इसका कोई प्रूफ नहीं करना इस पेज में से, सिर्फ इम्पीडेंस का फॉर्मूला सबसे काम की चीज है, ये नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर।